नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम सब पृथ्वी का स्वर्ग जिसे कहा जाता है अर्थात संगम नगरी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और हम इस समय जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वहां हैं और ये दृश्य जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। आध्यात्मिकता फील हो रही है यहाँ आने पर। ऐसा लग रहा है कि मानो हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ आत्मा को बहुत ही सुकून एवं शांति मिलती है। और यहाँ लेटे हनुमान जी और राम सीता जानकी का मंदिर है और जब गंगा जी अपना विकराल रूप धारण करती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका वो अभिषेक करती हैं अपने जल से। और सनातन आस्था कि ये बहुत ही पुरानी प्राचीन स्थल है। भारत के ऐतिहासिक मानचित्र पर प्रयागराज एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी कभी भी धूमिल नहीं हो सकती है। इस नगर ने युगों की करवट देखी है, बदलते हुए इतिहास के उत्थान पतन को देखा है। राष्ट्र की सामाजिक व सांस्कृतिक गरिमा का यह गवाह रहा है। तो राजनैतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। और उसके बाद जब हम थोड़ा इधर दुकानें हैं इस समय बंद हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी जब हम लोग वहाँ पहुँचे। इसके बाद ये फ्रंट साइड में जो दिख रहा है वो अकबर किला है, अकबर ने बनवाया था। इस समय ये मिलिट्री छावनी है और यहाँ हमारा प्यारा झंडा लगा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं पृथ्वी का स्वर्ग इसे कहना कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इसकी सुंदरता और यहाँ की भव्यता को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी आगे जाने पर हम लोग इधर देख सकते हैं कि यहाँ तंबू लगा हुआ है जो श्रद्धालु लोग जो यहाँ आते हैं वो इसी शिविर में रहते हैं और यहाँ भजन कीर्तन रातों दिन होता है। ये आगे जाने पर देख सकते हैं लाइटिंग काफ़ी अच्छा की गई है और लाइटिंग को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि जैसे लगता है कि ये तारों का शहर है। जगमगाती हुई बत्तियाँ और यहाँ की जो ये पूरा परिदृश्य है उसको देखकर मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। तो ये रोड है और यहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। और इधर सब ये जो देख सकते हैं ये इधर टेंट सिटी लगा हुआ है, मतलब टेंट का घर बनाया जाता है। यहाँ जो है पूरा टेंट सिटी बना हुआ है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सनातन संस्कृति एवं आस्था का ये जो प्रतीक स्थल है सदियों से यहाँ श्रद्धालु जन आते रहे हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती रही हैं। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का और काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ आकर। यहाँ आने पर मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और ये देख सकते हैं इधर ये पूरा लाइटिंग वाइटिंग बहुत गजब की गई है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। यहाँ जब कुंभ मेला लगता है तो इतनी भीड़ होती है कि अंतरिक्ष से देखने पर भी दिखाई देती है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में इस स्थल को शामिल किया गया है। ये जो मेला लगता है कुंभ मेला उसके लिए और 12 साल पे कुंभ मेला लगता है
इस समय जब हम यहाँ आए हैं तो माघ मास का मेला चल रहा है, क्योंकि माघ मास में करीब एक डेढ़ महीने का यहाँ मेला लगता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं और पूरा संगम क्षेत्र घूमते हुए आनंद उठाते हैं। इस क्षेत्र के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि ये आदिकाल से श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक रहा है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। हम अपने कई मित्रों के साथ यहाँ आए हैं और घूम रहे हैं संगम क्षेत्र को, स्नान वगैरह भी करेंगे और जो भी हमारे दिल में इच्छाएं होंगी उनको हम गंगा जी के सामने व्यक्त करेंगे। बहुत सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं को लेकर इस श्रद्धा स्थल पे हम लोग पहुँचे हैं। भारत के अनेकों क्षेत्र से श्रद्धालु जन यहाँ आते हैं और भक्तिमयी माहौल में एकदम रम जाते हैं। बहुत ही अच्छा नज़रिया है। यहाँ सब पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इधर सब इधर मार्ग है उधर जाने का। चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका है तो भीड़ बहुत कम दिख रही है। थोड़ा आगे जाने पर हमको पीपा सेतु मिलेगा, जिसकी वजन सहने की जो क्षमता है वो 5 टन है और ये गंगा जी पर बनाया गया है। पानी में पटरा और लोहे की जो पीपा होती है उसके सहारे से ये पीपा सेतु बनाया गया है। देख सकते हैं जैसा कि गंगा जी का आप सब दर्शन कर सकते हैं और एकदम जगमग जगमग हो रहा है। दिवाली से भी अच्छा देखने में लग रहा है, इतनी लाइटिंग और व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। योम हिंदुओं के लिए विशेषकर बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि श्रद्धालु योम भक्तजन यहाँ आते हैं तो उनके मन आत्मा को बहुत ही सुख शांति एवं सुकून प्रदान होता है। हमने सोचा कि क्यों ना संगम क्षेत्र पर एक ब्लॉग बनाया जाए, ब्लॉग वीडियो, ताकि लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो वीडियो के जरिए इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर सकें। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और रात का समय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये पीपा सेतु पर हम लोग हैं और यहाँ से देख सकते हैं नदी के दोनों तरफ टेंट सिटी बनाया गया है। श्रद्धालु एवं भक्तजन के ठहरने के लिए जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं, जगह जगह पर गीत एवं भक्ति गीत गाए जा रहे हैं, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम आध्यात्मिक माहौल है। सनातन संस्कृति की प्राचीन धरोहर इस प्रकार से जगमगा रही है कि मानो इसकी तुलना किसी से कर ही नहीं हम सकते हैं। इतना मधुर मनोरम यहाँ प्रतीत होता है। गंगा जी की अविरल जो धारा है उसकी
मंद मंद गुनगुनाहट जो है उसमें जैसे लग रहा है कि कोई गीत सा प्रतीत हो रहा है। अगर मैं कभी होता तो इसके बारे में बहुत ही मन की गहराइयों से इस पर एक गीत लिखता, क्योंकि मैं कभी हूँ नहीं, लेकिन यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि क्यों मैं इस पूरे जो क्षेत्र की सुंदरता है इस पर एक गीत गाया जाए। बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, मन में अनेकों प्रकार की स्थिति का वर्णन हो रहा है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लगभग भारत के सभी राज्यों से लोग यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि हमने अभी पहली बार यहाँ आया, हमको भी पहली बार ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ गंगा जी का। गंगा यमुना और गुप्त सरस्वती का जो संगम स्थल है वहाँ हम लोग स्नान करेंगे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले से हमारी कोई प्लानिंग थी नहीं वीडियो बनाने की, वरना वीडियो थोड़ा अच्छा बनाया जाता। और अब हम आपको जो मेला है मेले को घुमाएंगे। बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है, माघ मास का मेला। ये देखिए इधर झूला लगा हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी की गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेला भी।